सो गाइस ये है 3 नंबर फ्लोर और आप देख सकते हो कि पूरा खाली खाली सा है। और मैं सोच करके आया था 3 नंबर फ्लोर पे जाकर के मुझे जो है थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, जो कि मैं आ करके यहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज किया था, बहुत दिनों से नहीं किया था, जो कि मैंने आज आ करके थोड़ी एक्सरसाइज की है। और वीडियो में जो बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पर नया है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं और नई वीडियो के साथ। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस अभी जो है मैं बकाले पे जा रहा हूँ और बकाले पे जा करके मुझे कुछ सामान लेना है, इसलिए मैं बकाले पे जा रहा हूँ। और आप देख सकते हो कि रास्ते में काफ़ी लाइट वगैरह जल रहा है और बाहर जो है काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, तो दुकान पे चलते हैं। सो गाइस ये जो है ये मस्जिद है, यहीं पे हम लोग नमाज पढ़ते हैं। और इधर देख सकते हो कि सभी लोग जो बैठ के मोबाइल चला रहे हैं ना, और इधर जो है वाईफाई जो है फ्री आता है, इसलिए बैठ के चलाते हैं सब। और अभी जो है थोड़ी देर पहले जो काफ़ी अच्छी लाइटें जल रही थी इधर, जो कि अभी जो है अभी बंद कर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे ये दीवारों पे जल रहा है लाइटें, ऐसी लाइटें उधर भी जल रही थी जो कि अभी बंद कर दिया गया है। ये लॉन्ड्री और ये बार्बर और इधर है मिनी मार्केट, जो कि अभी तक खुला हुआ है। रात को 12:30 हो रहे हैं, अभी तक खुला हुआ है क्योंकि ये 1 बजे बंद कर देंगे, क्योंकि अभी तक सारे लोग जो है जगे हुए हैं, बैठे हुए हैं इधर। सुबह मैं गया था छेना लेने के लिए, जो कि ये दुकान आप पीछे जो दिख रहा है उसी दुकान से मैं निकला हूँ। और मैं गया था रसगुल्ले लेने के लिए, जो कि रसगुल्ले पड़े थे लेकिन पुराने थे, दुकान वाले ने बता दिए ये पुराने हैं। और मुझे चाहिए थे ब्लैक वाले और वाइट वाले, तो सिर्फ वाइट वाले थे इसलिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे जो ब्लैक और वाइट दोनों रहता है तो अच्छा होता है। तो अभी मैं दूसरी दुकान में जाता हूँ और देखता हूँ आप मिलता है कि नहीं। और अभी जो है हवा जो है बहुत मस्त चल रहा है, देख सकते हो आप। और रात को जो है 12:30 बज रहा है, अभी तक जो है लोग जो है बाहर बैठे हुए हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। इधर देख सकते हो आप पीछे जो पत्ते वगैरह भील रहे हैं, और इधर जो है घास वास बिछा हुआ है, घास पर बैठे हुए हैं। और ये घास जो है रेडीमेड घास है, प्लास्टिक की है, ये कोई ओरिजिनल नहीं है। और तो अभी दूसरी दुकान में चलते हैं और देखते हैं मिलता है कि नहीं। ये जो है आ गया हमें मस्जिद के गेट पर, और यहाँ से इसके बगल में एक दुकान है, वहाँ पे चलते हैं देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये है वो दुकान, चलते हैं अंदर। सलामुअलैकुम भाई, ये है वो दुकान और यहाँ पे देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ पे देख सकते हो आलू प्याज वगैरह सब बिकता है इसी कैंप के अंदर। इधर जो है जूस वगैरह भी है, देख सकते हो। तो वहाँ पे तो मुझे मिला नहीं है, यहाँ पे देखता हूँ मिलता है कि नहीं। कपड़े वगैरह भी है। सुबह ये जो दुकान दिख रहा है इसमें भी नहीं मिला है, क्योंकि मैंने इससे पूछा है तो इसके पास तो है ही नहीं है। और पहले जो दुकान पे गया था वहाँ पे जो वाइट वाले रसगुल्ले पड़े थे और मुझे चाहिए थे ब्लैक और वाइट वाले दोनों, तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं है। तो वहाँ पे वाइट वाले थे तो छोड़ दिया है, क्योंकि ब्लैक वाले मुझे चाहिए थे, तो अभी तो मिला नहीं है। और अभी जो है मैं बैठा हुआ जस्ट मस्जिद के सामने, आप देख सकते हो मेरे पीछे जो है मस्जिद है। और इधर जो है सारे लोग जो अभी तक जग रहे हैं, क्योंकि 12:30 हो रहे हैं, मुमकिन 1-2 बजे सोएंगे। और इधर जो है का बहुत ही अच्छा लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि रात हुआ है। तो इधर जो चारों तरफ बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, और बीच में जो है मस्जिद है। और जो जो जिसको बोलते हैं हम लोग असेंबली पॉइंट, यहाँ बोलते हैं जैसे कि गोल चक्कर बोलते हैं, ऐसा ही ये मस्जिद भाई है। बीच में मस्जिद है और चारों तरफ आने जाने का रास्ता और दुकान वगैरह होटल वगैरह, सारे लोग जो है इधर ही बैठे हुए हैं। और अपना सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो है वाईफाई जो है बिल्कुल फ्री है, इसलिए लोग बैठे हुए बाहर। अगर वाईफाई नहीं फ्री होता तो कोई भी नहीं बैठता।
जो है बिल्ला ऐसा है, अंदर से ऐसे दिखता है, बिल्कुल अच्छी तरीके से सजाया जाता है, क्योंकि ये बिल्ला जो है और बिल्ला के जैसा नहीं है, ये काफ़ी हाईफाई बिल्ला है और काफ़ी हाईफाई जगह है। यहाँ पे देख सकते हो ये रात के जो है 12:30 हो रहे हैं, अभी आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है कि सुबह हुआ है, क्योंकि लोग अभी भी आपको दिख रहे होंगे, ये देख सकते हैं लोग जो है चारों तरफ घूम रहे हैं। तो सुगज एक नई मशीन आई है ये सड़कें साफ करने के लिए, जो कि तार होता है, तार का उसकी झाड़ू जो है तार के बने हुए हैं, देख सकते हैं। सो गाइस ये है वो मशीन जो कि सड़कें साफ करने के लिए आया है, इसका जो झाड़ू है वो तार के बने हुए हैं, क्योंकि अगर तार का नहीं रहेगा तो ये सड़कें जो है साफ नहीं हो पाएगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी मशीनें जो हाईवे वगैरह सफाई होता है, सड़कें वगैरह साफ होता है, ये सेम वैसा है, लेकिन ये छोटा मशीन है। तो ये सारी सड़कें साफ़ करने के लिए मशीनें आई है, और यहाँ पे जो है काफ़ी सारा सड़क है, मोटी मोटी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, जो कि हर मकान के बगल से एक एक गली निकली हुई, आप देख सकते हो। ये सारी जो है सड़कें जो है इसी मशीन से सफाई हुई है, और ये मशीन जो है काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, लेकिन मैंने इसको आज देखा है, आप देख सकते हो हर मकान के बगल से एक एक मोटी मोटी चौड़ी चौड़ी सड़कें निकली हुई है। सो गाइस ये आज मैंने देखा इसे, तो मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा वीडियो में ऐड कर लेते हैं। सो गाइस अभी जो है मैं जा रहा हूँ रूम में अपनी बिल्डिंग में, और मुझे जाना है 3 नंबर फ्लोर पे। तो 3 नंबर फ्लोर पे मुझे जो है थोड़ा सा काम है, अब जाता हूँ तो आप लोग बता दूँगा क्या काम है। सुबह अभी जो है मैं जा रहा हूँ 3 नंबर फ्लोर पे, और मैं गया था रूम में ये चार्जर लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड है उसमें लगा करके कम से कम आधे घंटे में वहाँ पे बैठने वाला हूँ। तो अभी जो है मेरा 3 नंबर फ्लोर जो है वो आ गया है, और ये है वो 3 नंबर फ्लोर, और यहाँ पे जो है बैठ के जो आप देख सकते हो सारे लोग जो जा चुके हैं, और मैं सिर्फ अकेला यहाँ पर बैठूँगा, थोड़ी देर मोबाइल चलाऊँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा। सुबह ये वाश बेसन यहाँ पे फ्रेश वगैरह होते हैं, बर्स वगैरह करते हैं कुल्ले वगैरह, और यहाँ पे जो है पानी जो है ऊपर से टपक रहा, आप देख सकते हो। ये कल नहीं था, आज ही ऐसा हुआ है, तो ये कल जो है इंशाल्लाह मेंटेनेंस वाले आएंगे सही कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ ख़राब होता है तो बहुत जल्दी जो है उसे सही कर दिया जाता है। और इधर जो है हमाम है, और इधर जो है नहाने की जगह है। तो अभी जो है मैं काफ़ी देर तक 1-2 घंटे तक मोबाइल चलाने वाला हूँ, तो मैं सोचा कि ये भी ये सारी चीज़ भी आपको मतलब दिखा दिया जाए कि एक पिला में जो है ये सारी चीज़ें फैसिलिटी होती है। और ऐसा जो है 4 मंजिल पे ऐसा सेम चारों मंजिल पे, और एक यहाँ पे इस साइड में, और एक जो है उधर लास्ट में ऐसा सेम है, यानी 4 मंजिल का है तो 8 ऐसा बना हुआ है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, आदमी जो है वेट ना करना पड़े, किसी को लाइन में खड़ा ना हो, इसलिए ये सारी फैसिलिटी जो दी गई।